हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे न्यू फ्रेश वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, यदि आपने ग्रो एप्लीकेशन के अंदर किसी प्रकार के म्यूचुअल फंड में SIP इन्वेस्ट करते हैं, SIP इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस SIP को आप कैसे कैंसिल आउट करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक अच्छे से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो अभी हम आपको जो भी चीज करके दिखाएंगे वो लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो यदि आपको थोड़ी सी वीडियो धुंधली लगे तो आप जो है अपना YouTube क्वालिटी को बढ़ा करके देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर नजर आएगी और आप इजीली समझ सकेंगे कि ग्रो एप्लीकेशन में जो भी म्यूचुअल फंड हमने SIP के तौर पे लिया हुआ है तो उस SIP को हम लोग कैसे कैंसिल आउट करते हैं। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर के अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और वहां सभी चीज आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे चले आना है। मोबाइल में जहाँ कहीं भी हो ग्रो एप्लीकेशन, उसको सबसे पहले ओपन करना पड़ता है। तो देख सकते हैं मेरा ग्रो एप्लीकेशन यहाँ पे है, तो इसको सिंपली ओपन करना पड़ता है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जो भी आपने सिक्योरिटी फिंगरप्रिंट लगाया उसको दे देंगे। देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे जो नीचे की तरफ म्यूचुअल फंड का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर जाकर के क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर चले जाना है। कहाँ जाना है? डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर जैसे जाएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं जो आपने इन्वेस्ट किया है करंट और टोटल रिटर्न कितना है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके जस्ट नीचे वहाँ पे आपको SIP दिखेगा। एक SIP हमने लगा करके रखा है 2000 पर महीने का, तो उस SIP को हमने कैंसिल करना है। यदि आप ढेर सारे SIP लगाए हुए हैं तो जो भी SIP आपको कैंसिल करना है उस पर सिंपली क्लिक करना। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको जो भी एप्लीकेशन जिस भी आपने म्यूचुअल फंड पे लगाया वो आपको यहाँ दिखेगा। तो हमने लगा करके रखा था एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये दिखा रहा है, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको दिखेगा कैंसिल SIP का बटन, यहाँ पे जाकर के आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंफर्म SIP कैंसिलेशन का मैसेज आएगा और यहाँ पे नीचे की तरफ जो है कंफर्म कैंसिल पे जाकर के क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कैंसिल SIP रिक्वेस्ट हो चुका है। अब इसको गॉट इट पे क्लिक कर देना। मेरा जो SIP है वो कम्प्लीटली देख सकते हैं 0 है, अब वो कैंसिल हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो भी ग्रो एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में SIP लगाए हैं उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। अगर इसी तरीके का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग इस तरीके का कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर के।